होलिका दहन हवन आदि शुद्धिकरण और सामूहिक भोज के साथ संपन्न हुई होली। खबर थराली से, यहाँ होली का त्यौहार धूमधाम व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। होली के अंतिम दिन होलियारों ने होलिका का प्रतीक चीर का दहन किया और झरोली मनाई। पिछले एक पखवाड़े से चली आ रही बैठकी व खड़ी होली के त्योहारों का बच्चे, युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं ने जमकर रंगों में सराबोर होकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और होली के पारंपरिक गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। चामोली जिले के अंतिम गाँव वाड़ में भी महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में शानदार होली का त्यौहार मनाया। बता दें कि वाड़ गांव से वेदिनी कुंड व रूप कुंड बिल्कुल नजदीक पड़ता है। यहां से प्रतिवर्ष नंदा देवी लोकजात व प्रत्येक 12 वर्ष में हिमालयी कुंभ के नाम से जाना जाने वाला नंदा देवी राजजात यात्रा कैलाश के लिए जाती है। नारायण बगड़ देवी धुरा पर्वत शिखर पर विराजमान महामृत्युंजय महादेव के मंदिर में भी मंदिर समिति के सदस्यों ने हर साल की तरह इस बार भी होली मनाई। होली के समापन पर होलियारों ने मंदिर में जाकर अपने अपने देव इष्टों को भी रंग लगाकर पूजा अर्चना की और होली दहन के कारण छूतक से शुद्ध होने के लिए हवन किए। कई गांवों में होली के समापन पर सामूहिक प्रतिभोज का आयोजन किया गया। बहनों को होली की शुभकामनाएं। आज हमारे वार्ड में सभी महिलाओं ने अच्छे ढंग से होली मनाई। ग्राम सभा वाण की सभी महिलाएं होली रंगारंग होली खेल रहे हैं, जो एक हिंदू का त्यौहार है, आज खेलना भी चाहिए। और हम आपस में होली रंगों के साथ बहुत खुशियां मनाई है। हमने वाण गांव के सभी महिलाएं जो यहां पर कैलाश नगर कहा जाता है। नमस्कार, धन्यवाद सबको। मैं हीरा सिंह गढ़वाली, सामाजिक कार्यकर्ता वाण। मैं भारत के अंतिम गाँव वाण से बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे नंदा देवी रायजात चलती है, माँ भगवती का, शिव जी का वास है। और यहाँ पे ऊपर जो है 12 किलोमीटर पे रूपकुंड ट्रैक है और यहाँ पे बहुत ट्रैकर आता है। और अंतिम गांव होने के कारण आज पहली बार वाणगांव में महिलाओं ने जो है कि अच्छे रंगारंग प्रोग्राम के साथ जो है होली मनाई और अपने रीति रिवाजों के साथ हिंदू पर्व के हिसाब से होली मनाई है। और मैं सभी माताओं बहनों का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं कि यहां पे भी इस बुग्याली गांव में, अंतिम गांव में, हिमालय के अंतिम गांव में जो है ग्राम सभा वाण में महिलाओं को जो जोश दिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इससे एक न एक दिन जो है हमारी महिलाएं आगे आएंगी और हमारे देश का नाम रोशन करेगी। और इसी के साथ सभी देशवासियों को हीरा सिंह गढ़वाली का प्यार भरा नमस्कार। खबर भारत वर्ष के लिए थराली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।